हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो है यूनिट 3 अर्थात वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज की स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली चार टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स और BTE UP। इसमें चार टॉपिक हैं बेसिकली वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज जो यूनिट है उसमें चार सब टॉपिक्स हैं। एक तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और कांस्टेंट करंट सोर्स, इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उन दोनों में क्या क्या बताना है। एक तो उसका कॉन्सेप्ट बताना है वोल्टेज सोर्स का, और उसका सिंबल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। ऐसे ही कांस्टेंट करंट सोर्स में कॉन्सेप्ट, उसका सिंबल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज। इसके बाद है थर्ड सब टॉपिक कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू ए करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा, और फोर्थ टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्राउंडेड DC सप्लाईज। तो हम सबसे शुरुआत पहले टॉपिक से करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज सोर्स एक ऐसी डिवाइस होता है जो लगातार वोल्टेज प्रदान करता है, और इसमें बेसिकली दो टाइप के वोल्टेज सोर्स हैं हमारे पास, DC वोल्टेज सोर्स और AC वोल्टेज सोर्स। इसकी ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने दिखाया है वो DC वोल्टेज सोर्स बेसिकली क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। मतलब जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है DC वोल्टेज सोर्स का, VDC इसकी वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम जो है उसका ग्राफ कांस्टेंट है, और जब AC वोल्टेज सोर्स है तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ बदलती रहती है। जैसे एग्जांपल है साइनसोइडल, जो नॉर्मली हमारे घर में भी आपने देखी AC वोल्टेज सोर्स वेरी करती है, ठीक है। AC साइन वेव है, तो इसमें बेसिकली प्लस AM और माइनस AM के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड AM है, मिनिमम एम्पलीट्यूड माइनस AM है, इसका टाइम पीरियड 2π है। सिंबल की बात करें तो DC वोल्टेज सोर्स का सिंबल दिखाया गया है बैटरी के फॉर्म में, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। AC वोल्टेज सोर्स का सिंबल VAC से बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट में यदि हम देखेंगे तो एक तो हमने सिंबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे, और बेसिकली इसकी कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। इसमें क्या क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि इसमें एक तो देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, जब इसमें लोड रेजिस्टेंस कोई लगा हो इसके क्रॉस और जब ना लगा हो। तो बेसिकली इस डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि व्हेन ए लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज सोर्स, ये आपका वोल्टेज सोर्स है विदाउट RL और विद RL। जब लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट होगा तब क्या होगा, और विदाउट RL कैसा होता है। तो ये सिंबल हमने अभी देखा था, सिंबल कैसा है, VS है, ये आपकी DC के लिए दिखाया हुआ है। और इसके अक्रॉस यदि एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं तो ये वोल्ट मीटर बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली जो वोल्ट मीटर हमने वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाया है वो उसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज को मीजर करता है। अब हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर जो टर्मिनल वोल्टेज को मीजर कर रहा है वो विदाउट RL में कितनी रीडिंग लेगा और विद RL में कितनी रीडिंग लेगा, जहां RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली आपका VT की वैल्यू VS के इक्वल आएगी, जहां वो सोर्स वोल्टेज VS है यदि विदाउट RL है, मतलब ये कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF के इक्वल आएगा, जितने की उसकी सोर्स की EMF है उसके इक्वल वैल्यू आएगी। यदि उसमें RL पुट करते हैं तो उसमें बेसिकली ये करंट फ्लो होगी लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, और जो VT की वैल्यू आएगी वोल्ट मीटर से मीजर करते हैं तो प्रैक्टिकली देखी जाती है उसकी वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज जो VT आएगा वो सोर्स वोल्टेज VS से कम होता है। तो यदि विद RL देखेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से कम आता है। तो बेसिकली जो आपने देखा कि जो वोल्टमीटर की रीडिंग है टर्मिनल वोल्टेज, वो सोर्स वोल्टेज मतलब उसकी EMF से कम आता है यदि हमने वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस एक लोड रेजिस्टर लगा दिया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज
विद लोड इज लेस देन टर्मिनल वोल्टेज विदाउट लोड। अब इसको समझने के लिए हम लोग कि ये कैसे हो रहा है ये इसमें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज़ समझ लेते हैं कि इसमें आयल क्या है, लोड करंट है। और बेसिकली ये जो ऐसा हो रहा है कि ये टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से कम हो जा रहा है, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वोल्टेज सोर्स में भी एक ड्रॉप आएगा। वो बेसिकली उसके अंदर एक इंटरनल इम्पीडेंस होता है, खुद का सोर्स इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, यदि एसी के लिए इम्पीडेंस और उसको डीसी के लिए रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सोर्स इम्पीडेंस फॉर एसी, सोर्स रेजिस्टेंस फॉर डीसी। ZS से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस को, RS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। तो बेसिकली जो वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस लगा दिया गया है और वोल्टमीटर से रीडिंग ले रहे हैं, वो कम इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रॉप जो है उस वोल्टेज सोर्स के इंटरनल इम्पीडेंस के अक्रॉस भी हो रहा है। तो इसको ऐसे सर्किट को समझ सकते हैं कि डीसी वोल्टेज सोर्स विद लोड है, VS के सीरीज में RS लगा हुआ है, तो बेसिकली जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल इम्पीडेंस सीरीज में होता है, RL उसमें लोड रेजिस्टेंस है, VT जो है वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल है, टर्मिनल वोल्टेज है जो कि वोल्टमीटर की रीडिंग है, RS जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस है और RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। इसमें सर्किट में देख सकते हैं RS सोर्स रेजिस्टेंस है, RL लोड रेजिस्टेंस है और VS जो है वो सोर्स वोल्टेज है और IL जो है लोड करंट है, VT जो है टर्मिनल वोल्टेज है। इसको हमने अलग से नोट कर दिया है। अब रीजन क्या होता है कि ये सवाल ये होता है कि जो ड्रॉप है वो कहाँ गया, हमने बताया कि वो इंटरनल इम्पीडेंस के अक्रॉस ड्रॉप है। तो यदि देखा जाए तो वोल्टेज सोर्स के अंदर इम्पीडेंस किस वजह से होती है वो देख सकते हैं कि जो आपकी बैटरी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, उसकी वजह से कभी कुछ रेजिस्टेंस होता है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग है, उसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं कि इस टर्मिनल वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का बेसिकली रिलेशन क्या होगा। यदि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं तो उसको सिंबल्स क्या होंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सिंबल क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सिंबल क्या होंगे। अभी हमने सिंबल में अब तक जो दिखाया था उसमें हमने उसका इंटरनल इम्पीडेंस नहीं दिखाया था, तो बेसिकली वो आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं कि उसमें सीरीज में कोई जो है रजिस्टर नहीं लगा हुआ था, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले फिलहाल में ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सिंबल क्या है एसी के लिए और डीसी के लिए। हमने ड्रॉ किए हुए हैं, ये वीएस है एसी वोल्टेज सोर्स, इस पर सीरीज में जेडएस है जो कि इम्पीडेंस है इसका, सोर्स इम्पीडेंस वीटी इक्वल्स टू वीएस है जो टर्मिनल वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज के इक्वल है। डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल भी दिखाया गया है जिसमें वोल्टेज सोर्स को बैटरी से दिखाया गया है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस आरएस है और टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल है। तो बेसिकली ये हमने सिंबल ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स और सिंबल ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स देखे हैं। अब बात करते हैं, ये इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि इंटरनल इम्पीडेंस या सोर्स इम्पीडेंस इज इन सीरीज ऑफ वोल्टेज सोर्स, मतलब जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल इम्पीडेंस या सोर्स इम्पीडेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होता है और इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, मतलब VS इक्वल्स टू VT जब लोड कनेक्टेड ना हो। अब यदि व्हेन वेरिएबल लोड RL इज कनेक्टेड अक्रॉस VS, तो ये हमने सिंबल में बता दिया। अब बात करते हैं एनालिसिस की कि बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल नहीं है यदि लोड RL कनेक्टेड है, वेरिएबल रेजिस्टर RL इज कनेक्टेड अक्रॉस VS। तो व्हेन वेरिएबल रेजिस्टर RL इज कनेक्टेड अक्रॉस VS, तो उस केस में कैसे एनालिसिस करेंगे। सिंपल एनालिसिस है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, सीरीज में वोल्टेज दो रेजिस्टर लगे हुए हैं और किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो उसी की थोड़ी सी एनालिसिस है बस, कि केवल बदलाव रूप है निकालना, वही है कि VS प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका, क्योंकि इसमें सीरीज में RS जो है लगा हुआ, बेसिकली उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और RL जो है वेरिएबल रेजिस्टर है और इसमें से करंट IL फ्लो होगी क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो करंट सेम फ्लो होगी दोनों रेजिस्टर में। टर्मिनल वोल्टेज VT निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर,
इसमें आर एस इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर एल लोड रेजिस्टेंस है, वी एस ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स है, और वी टी टर्मिनल वोल्टेज है, आई एल लोड करंट है। तो हम बेसिकली इसमें देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर एस प्लस आर एल इक्वल आएगा, और जो लोड करंट है आई बराबर वी अपॉन आर के अकॉर्डिंग वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल आ जाएगा, क्योंकि करंट सर्किट में पूरे में सेम फ्लो हो रही है। तो इस सर्किट में दो रेजिस्टर हैं, उनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, और वी अपॉन आर इक्विवेलेंट मतलब आई एल बराबर वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल, और वी टी क्या है वोल्टेज अक्रॉस आर एल मतलब आई इंटू आर एल, तो वी टी बराबर आई एल इंटू आर एल, लोड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है वी टी, इसकी वैल्यू वी बराबर आई आर से निकालेंगे, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू इंटू उसमें फ्लो होने वाली करंट, तो वी टी बराबर आई एल इंटू आर एल, आई एल की वैल्यू पुट कर देंगे वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल। ये इक्वेशन नंबर वन को हम देख सकते हैं, इससे हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि वी टी और वी एस में रिलेशन क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए डिटेल में हम आर एल से इसके अंश और हर में भाग कर दे देते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आर एल से डिवाइड कर देते हैं। तो वी टी इक्वल्स टू आ जाएगा वी एस, आर एल से आर एल कैंसिल हो गया, और नीचे है आर एस प्लस आर एल अपॉन आर एल, तो इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं आर एस अपॉन आर एल प्लस आर एल अपॉन आर एल, सिंपल मैथमेटिक्स है। आर एल से दोनों जो आपके न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उसमें डिवाइड कर दिया है, तो वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एस अपॉन आर एल प्लस आर एल अपॉन आर एल, तो ये आर एल अपॉन आर एल वन हो जाएगा, तो ये बन गया वी एस अपॉन वन प्लस आर एस अपॉन आर एल, या वी एस अपॉन आर एस अपॉन आर एल प्लस वन। ये इक्वेशन नंबर टू है। इक्वेशन नंबर टू से हम देख सकते हैं कि वी टी की वैल्यू वी एस से कम होगी, क्योंकि वी टी जो है वो वी एस अपॉन वन प्लस आर एस अपॉन आर एल है, मतलब वन प्लस समथिंग लिखा हुआ है, मतलब वन से ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर है जो वन से ज़्यादा है उससे यदि कोई संख्या को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है वो न्यूमरेटर से कम होती है, तो वी टी लेस देन वी एस होगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में यदि हम वेरिएबल रेजिस्टर आर एल कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज से कम प्राप्त होगी, विद लोड टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ओपन सर्किट वोल्टेज। अब यदि देख सकते हैं कि यदि आर एल को कम करते हैं, इक्वेशन नंबर दो को देखिए, आर एल यदि कम होगा तो आर एस अपॉन आर एल बढ़ जाएगा, ठीक है सही बात है, आर एल यदि कम होगा तो आर एस अपॉन आर एल बढ़ जाएगा, और आर एस अपॉन आर एल यदि बढ़ेगा तो इक्वेशन नंबर दो की हेल्प से देख सकते हैं, आर एस अपॉन आर एल बढ़ेगा तो बेसिकली डिनोमिनेटर बढ़ रहा है इसलिए जो वी टी है वो कम हो जाएगा, मतलब आर एल के कम होने से वी टी की वैल्यू कम हो जाती है। तो बेसिकली यदि हम आर एस अपॉन आर एल को यदि देखें, इफ़ आर एस अपॉन आर एल लेस देन वन हो, जो लिखा हुआ वैल्यू है वो आर एस अपॉन आर एल है, यदि वो एक से कम हो तो उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में वी टी की वैल्यू वी एस के लगभग बराबर आ जाएगी। तो बेसिकली ये तो एक अप्रोक्सीमेशन है कि यदि आर एस अपॉन आर एल की वैल्यू जो है कम होती है, एक से कम होती है, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा। तो स्पेशल केस है कि जब हम सोर्स जो रेसिस्टेंस है और लोड रेसिस्टेंस उनका यदि डिवीजन देख रहे हैं आर एस अपॉन आर एल रेशियो है वो एक से कम हो तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा, अन्यथा के केस में टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सोर्स वोल्टेज से कम होगा यदि वेरिएबल रेजिस्टर आर एल कनेक्टेड किया गया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से समझ भी सकते हैं, कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज दैट ये सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड फॉर फिगर वन, फिगर वन दी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टर और 12 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, इसमें बेसिकली आईएल करंट फ्लो हो रही है, तो फाइंड फर्स्ट आईएल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, सेकंड बीटी टर्मिनल वोल्टेज, बेसिकली जो वोल्टेज 12 वोल्ट ओम जो है वो रेजिस्टर है लोड रेजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। क्वेश्चन में पूरा लिखा होगा बीटी कहाँ पर है, मैंने केवल इसको एग्जाम्पल लिया है ऊपर वाले बेसिकली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के हेल्प के रूप में ही के रेफरेंस में। थर्ड है सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप, बेसिकली जो 2 ओम का रेजिस्टर है वो सोर्स का रेजिस्टर है, मतलब सोर्स रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा। तो फिगर 2 को ये लिए भी निकालना है जहाँ पर लोड रेजिस्टर बदल गया है, 24 ओम हो गया है। ये एग्जांपल इसलिए लिया गया ताकि हम समझ सकें कि आरएल की वैल्यू चेंज करने से
आपका टर्मिनल वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है। हमने भी देखा था कि आरएल कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, आरएल को कम करने से टर्मिनल वोल्टेज घटता है, आरएल घटेगा तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, आरएल बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। ये हमें प्रूव करने थे एग्जाम्पल से। तो सॉल्यूशन करते हैं फिगर वन के लिए, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, हमें ड्रॉप निकालना है VT जो है, उससे पहले हमें IL निकालना है और लास्ट में हमें जो है जो 2 ओम का रेजिस्टर है उसका ग्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो RS की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, VS की वैल्यू 12 वोल्ट, RL की वैल्यू दी हुई है, RL दिया हुआ है आपका 12 ओम फिगर वन के लिए। तो फर्स्ट IL निकालना है, IL क्या होगा 12/2 + 12, मतलब VS/RS + RL। ये हमने भी देखा था थ्योरी में, VS/RS + RL, ये सिंपल निकाल सकते हैं कि सिंपल करंट निकालनी है तो कितना होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, VS/RS + RL, 12/2 + 12। सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.8586 एम्पियर आई है, सिंपल कैलकुलेशन है। सेकेंड निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, वो आएगा IL × RL, VT IL × RL, क्योंकि जो आपका IL है वो करंट फ्लो हो रही है 0.86, वैल्यू निकाल रखी है हमने या 12/14, और RL जो आपका 12 ओम है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 12/14 × 12, यह जाएगा 10.29 वोल्ट। सर्किट के जो सोर्स है उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जो 2 ओम रेजिस्टर है बेसिकली RS कह सकते हैं उसको, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मतलब उसकी वैल्यू इंटू करंट फ्लोइंग दैट रेजिस्टर, मतलब सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप आएगा IL × RS, RS रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो IL की वैल्यू 12/14 × RS की वैल्यू 2, तो वैल्यू आई 1.71 वोल्ट। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल 12 वोल्ट की बैटरी थी, उसमें से 10.29 तो आपका लोड रेजिस्टर की तरफ अक्रॉस वैल्यू आई है, और बाकी का जो वोल्टेज है वो कहाँ चला गया है, सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया है 1.71 वोल्ट, सोर्स के अक्रॉस मतलब सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। फिगर टू के लिए सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे, RS की वैल्यू सेम है, VS की वैल्यू सेम है, RL की वैल्यू चेंज हो गई है, ये वैल्यू बढ़ गई है, तो हम फॉर्मूले सेम लगाएंगे, फर्स्ट IL VS/RS + RL, RL की वैल्यू चेंज करके 24 पुट कर देंगे, यह जाएगा 0.46, मतलब 12/26 या 0.46 एम्पीयर। सेकंड है टर्मिनल वोल्टेज IL × RL, ये वैल्यू आएगी 12/26 × RL की वैल्यू चेंज हो गई 24, तो ये आ जाएगा 11.08 वोल्ट। थर्ड है सोर्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप, ये है IL × RS, जो आपका सोर्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मतलब RS के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, IL × RS, तो आएगा 12/26 × 2, तो ये पुट करेंगे वैल्यू 0.92 वोल्ट। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखकर देख सकते हैं, फ्रॉम अबव एग्जांपल VS और RS तो फिक्स है, जो सोर्स वोल्टेज है और सोर्स रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, सेम है, फिक्स है। एक बार RL 12 ओम है तो उस केस में VT की वैल्यू हमने देखी थी 10.29 वोल्ट है, और जब RL की वैल्यू 24 ओम है सेकंड केस में, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि उसमें VT की वैल्यू 11.08 वोल्ट आई है। ये हमने कॉपी कर लिया डाटा यहाँ से, अब देख सकते हैं कि RL जब घट रहा है 24 से 12 हो रहा है, सेकंड फिगर से फर्स्ट फिगर में जाएंगे तो 24 से जब 12 हो रहा है तो उस केस में VT की वैल्यू 11.08 से 10.29 हो रही है, मतलब घट रही है। तो 24 से 12 होने पर 11.08 से 10.29 वोल्ट हो जाता है। तो हम इस वोल्टेज सोर्स में जो हमने एनालिसिस की थी कि यदि लोड रेजिस्टर घटता है, RL यदि घटता है तो VT टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, ये इसमें प्रूफ हो गया है। अब बात करते हैं करंट सोर्स की, ये हमने भी देखा वोल्टेज सोर्स, इसके बाद करंट सोर्स की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स क्या होता है, बेसिकली करंट सोर्स क्या होगा जो कि करंट प्रोवाइड करेगा। करंट सोर्स बेसिकली जो आपका होगा एक ऐसा सोर्स होगा जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर करंट के रूप में दी जाती है, वो करंट सोर्स कहलाएगा। तो DC और AC के लिए उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि DC के लिए क्या होगा, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, और AC के लिए उसकी टाइम के साथ वैल्यू उसकी वेरिएबल रहेगी, ठीक है। तो इसके इसमें यदि हम सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होगा सिम्बल्स, ये आपका ऊपर DC के लिए दिखाया हुआ है, नीचे AC के लिए। DC में RS जो है इंटरनल रेजिस्टेंस उसका पैरेलल में होता है करंट सोर्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस पैरेलल में होगा, RS रेजिस्टेंस है, ZS इम्पीडेंस है। DC के लिए
रेजिस्टेंस इसी के लिए इम्पीडेंस दिखाया गया है। बेसिकली जो इम्पीडेंस है ये तो इसको ये बेसिकली एसी में जो है रिएक्टिव कंपोनेंट भी होते हैं, इमेजिनरी वैल्यू भी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के पार्ट भी होते हैं। तो ये हम वही बात कर रहे हैं कि डीसी के लिए आरएस है और एसी के लिए जेडएस है। जेडएस मतलब इम्पीडेंस, सोर्स इम्पीडेंस है, आरएस मतलब सोर्स रेजिस्टेंस। तो इसमें जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वी ओ सी लिखा हुआ है वो बेसिकली इस जो आपका कॉम्बिनेशन है आई एस और आर एस का उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, और ऐसे नीचे वाले के लिए वी ओ सी जो है वो आई एस और जेड एस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज पहले केस में डीसी के लिए वी ओ सी बराबर आई एस इंटू आर एस, क्योंकि टोटल करंट डीसी में फ्लो होगी आई एस इंटू आर एस। दूसरे केस में एसी जो है उसके लिए ओपन सर्किट वोल्टेज वी ओ सी बराबर आई एस इंटू जेड एस, सिंपल कैलकुलेशन है, वी बराबर आई आर। इंटरनल इम्पीडेंस क्या है, इज इन पैरेलल ऑफ करंट सोर्स। तो मैंने पहले बताया था कि जो सोर्स इम्पीडेंस है या इंटरनल इम्पीडेंस है वो करंट सोर्स के केस में पैरेलल में होता है, ठीक है। अब लोड करंट की बात करें, यदि जब तक कोई हमने लोड जो टर्मिनल करंट है, टर्मिनल करंट कितनी होगी जो यदि फ्लो हो रही है, तो आई टी बराबर आई एस, आई एल बराबर आई एस के इक्वल आएगी, ठीक है, टर्मिनल करंट सोर्स करंट के इक्वल है। जेड एस क्या है, यहाँ पर पहले बता चुके हैं सोर्स इम्पीडेंस है, आर एस सोर्स रेजिस्टेंस है, वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज है, आई एस सोर्स करंट है। अब यदि एक वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस करंट सोर्स, व्हेन ए वेरिएबल रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस करंट सोर्स, तो क्या होगा, व्हेन ए वेरिएबल रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस करंट सोर्स। तो हमने यहाँ पर आर एल एक वेरिएबल जो रजिस्टर है वो कनेक्ट कर लिया है, तो इस केस में देखेंगे कि हमारी जो लोड रेजिस्टर है उसमें करंट जो फ्लो होगी वो सोर्स रेजिस्टेंस सोर्स करंट से कैसे वेरी करेगी और किस केस में इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने अभी वोल्टेज सोर्स के केस में देखा था वो एनालिसिस करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हमें वहाँ पे हमने एक तरह से कह सकते केविल लगाया था या फिर ओम्स लॉ लगा के हमारा काम चल गया था। यहाँ पे हम इसमें सिंपल एनालिसिस करेंगे, लगा तो केसील भी सकते हैं लेकिन हम सिंपल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल एनालिसिस के थ्रू जा रहे हैं, आई एस आपका सोर्स करंट है, आर एस सोर्स रेजिस्टेंस है, आर एल सोर्स आर एल जो है आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो आई एस जो सोर्स करंट है उसके दो पार्ट हो गए हैं, एक आई एस डैश एक आई एल। यहाँ पे एन पॉइंट है, जहाँ पे जंक्शन एन है वहाँ पर आई एस के दो पार्ट हो गए हैं, एक करंट थ्रू आर एस एक करंट थ्रू आर एल। तो आई एस बराबर आई एस डैश प्लस आई एल, ये आपका के सी एल लगा लिया हमने, सिंपल के सी एल लगाया है, आई एस बराबर आई एस डैश प्लस आई एल, ठीक है। डायरेक्टली भी आपने फिजिक्स में ये आर एल के थ्रू करंट वैल्यू निकालनी देखी होगी, जो आप करंट डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल आपसे पढ़े होंगे उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल एनालिसिस केसीएल से हमने इसको सॉल्व किया है, हम बेसिकली इसको केसीएल से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आई एस बराबर आई एस डैश प्लस आई एल, मतलब जंक्शन एन पर आने वाली करंट बराबर जंक्शन एन से जाने वाली करंट, आई एस बराबर आई एस डैश प्लस आई एल। तो यहाँ से आई एस डैश निकाल सकते हैं, आई एस माइनस आई एल इक्वेशन वन बना ली, और जहाँ पर हमने लिख दिया कि आई एस क्या है सोर्स करंट है, आई एस डैश करंट थ्रू आर एस है, आई एल क्या है करंट थ्रू आर एल है। अब दूसरी बात, क्योंकि जो आर एस और आर एल है वो दोनों पैरेलल में है, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल, मतलब वी एस बराबर वी एल। वी एस क्या होगा, आई एस डैश इंटू आर एस, क्योंकि V बराबर आई आर। ऐसे ही वी एल क्या होगा, आई एल इंटू आर एल, जो आर एस है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आर एस इंटू आई एस डैश, और जो आर एल है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आर एल इंटू आई एल। इन दोनों को बराबर पुट कर लिया, ये आपका आई एस डैश है उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली आई एस माइनस आई एल फ्रॉम इक्वेशन वन, आई एस डैश की वैल्यू इक्वेशन वन से पुट करी, आई एस माइनस आई एल इंटू आर एस इक्वल्स टू आई एल इंटू आर एल। इसको सिंपली हमने सोल्व किया, तो आई एस इंटू आर एस माइनस आई एल इंटू आर एस इक्वल्स टू आई एल इंटू आर एल, ये सोलो के आ गया। इसमें हमने आई एल वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लिए, आई एस वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लिए, ताकि हम आई एल की वैल्यू और आई एस की वैल्यू में आपस में रिलेशन निकाल सकें। तो बेसिकली आई एल वाले पार्ट हैं, एक तो आर एल हो इसके साथ और दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स से आप सोल्व कर सकते हैं, आई एल इंटू आर एल प्लस आर एस इक्वल्स टू आई एस इंटू आर एस। तो यहाँ से बन जाएगा आई एल इक्वल्स टू आई एस इंटू आर एस अपॉन आर एल प्लस
आरएस, या ये कह सकते हैं कि आईएल इक्वल्स टू आईएस इनटू आरएस अपॉन आरएस प्लस आरएल, ये बन गया इक्वेशन नंबर दो। अब इक्वेशन नंबर दो को थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा आईएल बराबर आईएस अपॉन आरएस प्लस आरएल अपॉन आरएस। बेसिकली किया क्या है इक्वेशन नंबर दो में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आरएस से डिवाइड कर दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आरएस से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा आईएस अपॉन नीचे बन जाएगा आरएस प्लस आरएल अपॉन आरएस। तो ये सोल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आई एल इक्वल्स टू आई एस अपॉन वन प्लस आर एल अपॉन आर एस। ये कोई टफ कैलकुलेशन नहीं, सिंपल हमने मैं केसीएल लगाया, उसके बाद पैरेलल वोल्टेज इक्वल होती है और पहले इक्वेशन को यूज करके सिंपल मैथमेटिक्स लगाया है और सोल्व किया है आई एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई एस। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि आर एल अपॉन आर एस एक से कम है, काफ़ी कम है, तो इसे एक के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, उस केस में आई एल की वैल्यू लगभग आई एस के इक्वल आएगी। या ये भी कह सकते हैं कि आर एस यदि बहुत बड़ा है आर एल से, तभी तो आर एल अपॉन आर एस एक से कम आएगा, यदि आर एस बहुत बड़ा हो आर एल से, तो ये बेसिकली तब आई एल की वैल्यू लगभग आई एस के इक्वल आएगी। अब बात करते हैं ये आपकी इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, इसको आज के लेक्चर में देख लेते हैं, उसके बाद इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और कन्वर्जन वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा, पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि एक तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वो डीसी एसी टाइप के होते हैं और यदि आरएल उसके क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से कम होता है, और उसके सिंबल देखे हमने एसी और डीसी, और उसकी वैल्यू कितनी आती है जो टर्मिनल वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज के रेस्पेक्ट में टर्म्स में, और आरएल को कम करने से टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। ऐसे ही हमने करंट सोर्स में देखा एसी डीसी के सिंबल, और उसके बाद हमने देखा कि यदि वेरिएबल रेजिस्टर आरएल कनेक्टेड है क्रॉस करंट सोर्स, तो जो लोड करंट है उसकी वैल्यू सोर्स करंट के टर्म्स में कितनी आती है। अब बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, अभी तक हमने जो देखा वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, वो कैसा है देखो, देखने से दिखाई दे रहा है कि वीएस के सीरीज में जेडएस है और उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आरएल कनेक्टेड है, और डीसी में देखते हैं तो वीएस के सीरीज में आरएस है, ये सोर्स रेजिस्टेंस है, जेडएस सोर्स इम्पिडेंस है, इंटरनल इम्पिडेंस या सोर्स इम्पिडेंस, ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस। वीटी टर्मिनल वोल्टेज है, वीटी की वैल्यू वीएस से कम होती है, बेसिकली वीटी आया वीटी की वैल्यू है वीएस माइनस आईएल इनटू आरएस डीसी के लिए। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आरएस है सोर्स रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप है, जो उसमें फ्लो होने वाली करंट और उसके सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू उस सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होती है, मतलब आईएल इनटू आरएस। तो वही वैल्यू हमने वीएस में से घटा दी है, वीटी इक्वल्स टू वीएस माइनस आईएस इनटू आरएस। तो वीटी की वैल्यू वीएस से कम होती है, लेकिन ये वैल्यू इक्वल तब हो सकती है जब आरएस या जेडएस की वैल्यू यदि इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यदि आरएस या जेडएस जो है जीरो के इक्वल हो जाता है तो उस केस में वीटी बराबर वीएस हो जाएगा, चाहे उसमें आरएल की वैल्यू कोई भी हो, उससे कोई मतलब उसका नहीं रहता है। मतलब इफ़ आरएस इक्वल्स टू जीरो देन वीटी इक्वल्स टू वीएस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आरएल। लोड रेसिस्टेंस की किसी भी वैल्यू के लिए आरएस की वैल्यू यदि जीरो है तो टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है। तो ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम, जिसका सोर्स रेजिस्टेंस जीरो होता है, उसे आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। बेसिकली क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का काम क्या है कि वो किसी भी लोड रेजिस्टर को सेम वोल्टेज प्रोवाइड करे, मतलब उसका जो वोल्टेज प्रदान करने की क्षमता है वो उसके द्वारा प्रदान की गई करंट पर डिपेंड ना करे, या कितने लोड रेजिस्टेंस पर उसको लगाया गया उस पर डिपेंड ना करे, वो आइडियल या आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आरएस और जेडएस इक्वल्स टू जीरो, मतलब डीसी है तो आरएस जीरो, एसी है तो जेडएस इक्वल्स टू जीरो, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन हो गई। उसको लिख सकते हैं, यदि लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे सेंटेंस की फॉर्म में, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स सप्लाईज कॉन्स्टेंट वोल्टेज फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट और लोड, मतलब करंट की या लोड की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए वो एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स वह होता है
जो किसी भी वैल्यू की करंट को, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जो किसी भी करंट की, जो किसी भी वैल्यू की करंट को कांस्टेंट वोल्टेज पर प्रदान करने में सक्षम होता है। बेसिकली जो वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल तब है जब वो किसी भी करंट की वैल्यू को जो है कांस्टेंट वोल्टेज पर प्रदान करने में एलिजिबल हो, मतलब वो कोई लोड रेजिस्टेंस कितना भी लगा हो उस पर वो सेम वोल्टेज प्रोवाइड करे। बेसिकली वोल्टेज सोर्स उसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करनी चाहिए, और या फिर ये कह सकते हैं किसी भी वैल्यू की करंट को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर सके वो, ठीक है। तो इसके लिए यदि सिंबल की बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स सिंबल इस तरह से होंगे, ZS की वैल्यू जीरो होगी AC के लिए और DC के लिए RS की वैल्यू जीरो होगी। सेम जो ऊपर बनाया है उसमें ही केवल इतना कर दिया कि हमने ZS बराबर जीरो और ये मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप का, ठीक है, RS भी जीरो, शॉर्ट सर्किट से उसको रिप्लेस कर दिया है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम देख लिया कि AC में ZS की वैल्यू जीरो होती है और RS की वैल्यू जीरो होती है DC के लिए। VT बराबर VS फॉर एनी लोड वैल्यू, लोड की कोई वैल्यू हो, यदि टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल आ रहा है किसी भी लोड वैल्यू के लिए तो वो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है। उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन एग्जाम उसमें भी आपको याद रखनी है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पिडेंस या सोर्स इम्पिडेंस उसके सीरीज में होता है, प्लस आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस है या सोर्स इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये दो पॉइंट कंपटीशन में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वाइवा में और कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो पहले प्रैक्टिकल करंट सोर्स को देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बेसिकली जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस है वो सीरीज पैरेलल में होता है करंट सोर्स में, तो ये IS है, इसकी करंट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, IS- और IL में, RS और RL है। यहाँ पर जो IS- है वो RS से फ्लो हो रही है जो कि इसका सोर्स रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, और RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। तो हमें पता था कि IL की वैल्यू IS से कम होती है, जो IL है वो IS-IL- के इक्वल होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए, और यदि आइडियल करंट सोर्स है तो उसमें IL की वैल्यू IS के इक्वल आनी चाहिए, जो IL है और वो IS के इक्वल होनी चाहिए, मतलब उसमें जो RS है उसके थ्रू कोई करंट ना हो, मतलब सोर्स के अंदर कोई भी करंट का ड्रॉप ना हो, ठीक है, पूरी पूरी करंट को प्रोवाइड कर सके लोड रेजिस्टेंस को। जैसे हम वहाँ बात कर रहे थे कि जो वोल्टेज सोर्स है वो पूरी पूरी वोल्टेज बाहर दे सके लोड पर, ऐसे ही करंट सोर्स क्या चाहे आइडियल तब होगा जब वो अपनी पूरी करंट को लोड पर प्रोवाइड कर सके, उसके अंदर कोई करंट का ड्रॉप ना हो, मतलब IL बराबर IS हो फॉर आइडियल करंट सोर्स। वो तभी होगा जब IS- जीरो हो, मतलब उसके सोर्स रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो ना हो। तो बेसिकली उसके लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ लोड, ये कंडीशन तब है जब हमारे पास लोड वेरिएबल है, मतलब लोड की वैल्यू कोई भी हो, ऐसा नहीं कि केवल हम ओपन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लोड की कोई किसी वैल्यू के लिए IL बराबर IS होना चाहिए, तो उसका जो मैचिंग बनती है या इस चीज़ की जो संभावना बनती है वो एक कंडीशन के लिए बनती है कि जब RS इनफाइनाइट हो या फिर AC के लिए ZS इनफाइनाइट हो, मतलब उसका इंटरनल इम्पिडेंस इनफाइनाइट हो या इंटरनल रेजिस्टेंस यदि DC है तो वो भी इनफाइनाइट हो। आइडियल करंट सोर्स वह होता है जो लोड की किसी भी वैल्यू पर कांस्टेंट करंट सप्लाई करने में सक्षम होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और आपको कंपटीशन के लिए याद होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स की जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होता है और उसकी आइडियल वैल्यू जीरो होती है, करंट सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में होता है और उसकी आइडियल वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब यदि हम इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्रैक्टिकल और आइडियल सोर्सेज, तो उसमें दो पार्ट हैं, एक वोल्टेज सोर्स है एक करंट सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स की आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस फिगर में दिखाई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो ग्राफ है वो टर्मिनल वोल्टेज का दिखाया गया है विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट, मतलब जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस यदि टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं और वो कांस्टेंट आता है विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट, मतलब लोड की किसी वैल्यू के लिए या लोड करंट की किसी वैल्यू के लिए, देख सकते हैं कि जीरो से लेकर IL जो आपका है वो बेसिकली जो एक्सिस है वो लोड करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब लोड करंट बढ़ रही है, तो वो तब बढ़ रही है जब लोड रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है।
और इसके लिए हमने ये जो एरो दिखाया है वो दिखाया है उल्टी डायरेक्शन में आरएल का, मतलब जो लोड करंट आईएल है वो बढ़ रही है तो उस केस में आरएल घट रहा है, या फिर कह सकते हैं यदि आरएल बढ़ रहा है तो उस केस में लोड करंट घट रही है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट हैं ई और बी जिनको हमें थोड़ा सा समझना है। आइडियल के लिए कॉन्स्टेंट है जो टर्मिनल वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज के इक्वल है, आइडियल के लिए वीटी बराबर वीएस, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए क्या लिखा है, वीटी बराबर वीएस माइनस आईएल इनटू आरएस, ये हमें पता होता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको समझाने के लिए बताया है, आपकी हो सकता है बुक में डायरेक्ट ये वैल्यू लिखी हो, लेकिन इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज निकाल सकते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वीटी बराबर वीएस माइनस आईएल इनटू आरएस, वो कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली जब आईएल जीरो होगा तो उसकी वैल्यू निकालेंगे वीटी बराबर वीएस, मतलब जब आईएल जीरो है मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये आपका वीटी बराबर वीएस होगा। ठीक है, तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जब एक्स मतलब आईएल की वैल्यू जीरो है तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जीरो कोमा वीएस, वीटी बराबर वीएस के इक्वल है, और जब वीटी जीरो है तो उस केस में आईएल बराबर वीएस अपॉन आरएस आ जाएगा। इस इक्वेशन से वीटी बराबर वीएस माइनस आईएल इनटू आरएस, इस इक्वेशन को याद रखना है, इसमें एक बार आईएल जीरो पुट करना है एक बार वीटी जीरो पुट करना है, तो इसमें जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जीरो कोमा वीएस आ जाएंगे और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वीएस अपॉन आरएस कोमा जीरो। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब करंट मैक्सिमम पहुंच रही है वीएस अपॉन आरएस हो रही है उस केस में टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जा रहा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए। ठीक है, और बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से कम होता है, घटता रहता है। ठीक है, ये आपका कर्व है। ठीक है, प्रैक्टिकल ये आपका जस्ट हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग से किया है, लेकिन नॉर्मली ये कर्व डायरेक्ट जीरो पर नहीं पहुँच रहा है, कर्व के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमने दिखाया कि टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से कम होता है प्रैक्टिकल के लिए, आइडियल के लिए टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है। करंट सोर्स की भी बात करें तो जो लोड करंट है वो उसकी वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसको ड्रॉ किया गया है, लोड करंट वर्सेज लोड रेजिस्टेंस। तो इसके भी देख सकते हैं कि आइडियल करंट सोर्स के केस में लोड करंट और सोर्स करंट इक्वल होती है, हमने पढ़ा था आईएल बराबर आईएस फॉर आइडियल करंट सोर्स। तो आई एल बराबर प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए क्या होता है, आई एस अपॉन वन प्लस आर एल अपॉन आर एस, जैसे जैसे आर एल बढ़ रहा है वैसे वैसे आई एल घटता जाता है। ये हमने इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आर एल बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इसलिए जो डिवीजन करने के बाद वैल्यू आएगी आई एल वो कम होगी, तो आई एल की वैल्यू घट जाएगी। तो बेसिकली आई एल की वैल्यू आई एस से कम होती है फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने देखा कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसमें एसी और डीसी के उसके टाइप और आरएल यदि उसके अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से कैसे रिलेशन रखता है, एसी डीसी के सिंबल, ऐसे ही करंट सोर्स के लिए सिमिलर चीज़ें। ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, उनकी प्रैक्टिकल और आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके आपस में कन्वर्जन को देखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है उसको भी साथ में देख लेंगे, फ्लोटिंग एंड ग्राउंडेड डीसी सप्लाईज। थैंक यू।